तो कई प्रकार की वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ, कई प्रकार की देवी देवताओं के कार्यक्रम और काफ़ी शादियों के जो कार्यक्रम होते हैं पहाड़ों में, उन सब कार्यक्रम को मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन कभी जो चूड़ाकर्म संस्कार होता है, जो मुंडन का कार्यक्रम होता है, वो मैंने आपको कभी नहीं दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे चूड़ाकर्म संस्कार का कार्यक्रम। तो चूड़ाकर्म संस्कार का कार्यक्रम जो होता है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। अभी कल चूड़ाकर्म संस्कार है और आज पहले दिन की जो रात्रि का समय है, यहाँ पे पूजा वगैरह जो चल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और कल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी वीडियो भी इसी वीडियो में आएगी, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या होना है इस चूड़ाकर्म संस्कार के कार्यक्रम में। तो अभी हम लोग आ रखे हैं लस्याल गांव में। तो लस्याल गांव हमारे गांव से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है, बासर पट्टी में ही है। लस्याल गांव बासर इस गांव को कहते हैं और यहाँ सुरेश भाई रहते हैं। तो सुरेश भाई आजकल घर आए हुए हैं, वैसे ये भी जॉब पे रहते हैं। अब आपको पता ही है कि जॉब के लिए भाई सारे जो बंदे हैं वो गांव के बाहर ही रहते हैं। तो इनके ये जो लड़का है शिवांश, शिवांश इसका नाम है, और जो गोदी में बैठा हुआ है भाभी जी के, और इसका ही चूड़ाकर्म संस्कार का जो कार्यक्रम है यहाँ पे चल रहा है। असल में चूड़ाकर्म जो संस्कार होता है, उससे पहले दिन जो मैं बता रहा था कि जो पहले दिन से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है रात्रि के समय। तो अभी जो रात्रि का टाइम हो रहा है, इस समय यहाँ पे जो ये बच्चा है जिसका मुंडन होना है कल, उसका अभी केशादिवासन होगा। केशादिवासन जो चीज़ होती है, उसका मतलब है जो केशों को बांधा जाना है। तो केशों को किस प्रकार से बांधा जाता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसके जो केश हैं वो कुछ इस प्रकार से बांधे जाने हैं। मेरे ख्याल से एक जो चुटिया है वो बीच में छोड़ी जाती है, पीछे जो मुख्य चुटिया होती है, तो वो मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है गाय का जो बछड़ी होती है, गाय की जो बछड़ी होती है उसका जो खुर होता है उसके बराबर होनी चाहिए वो चुटिया। जो चुटिया मतलब कल मुंडन में काटी नहीं जानी है, वो हमेशा ही साथ में रहेगी चूड़ाकर्म के बाद। लेकिन बाकी उसके अलावा भी 3-4 चुटिया और बनाई जाती है। एक जो दोनों कान है उनके ऊपर, एक आगे माथे के ऊपर और एक पीछे, चार ही हो गई। और एक बीच में जो चुटिया मैंने आपको बताई, जो कि गाय की बछड़ी के खुर के बराबर की जो चुटिया होती है, उसकी चौड़ाई कम से कम गाय के बछड़ी के खुर के बराबर होती है, तो वो चुटिया बीच में रखी जाएगी। तो कुल मिला के जो केस जो बांधे जाएंगे अभी, और उन केसों में कुछ और चीज़ें भी बांधी जाती हैं, वो मतलब ऐसे सिंपल ऐसी चुटिया बनाई नहीं जाती है। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे कि कैसे उनको बांधा जाता है। नमस्ते मंदा नमस्ते नमः प्रतिदिनं यदि प्रतिष्ठता।
तो जो केशादिवासन है वो कुछ इस प्रकार से बांधा जाता है। अभी देखिए वो जो केस बनाए हैं, पांच जो चुटियाएं बनाई हैं उन पे कुछ इस प्रकार से, ये जो पीला आपको दिखाई दे रहा है इसमें पूरा कुछ बांधा होता है अंदर, और इस कपड़े को पूरा ना उन केसों के साथ बांधा जाएगा, और पांच ऐसे इसी प्रकार से बांधी जाएंगी पांच चुटियाओं पे। अभी आप देखिए किस प्रकार से ये बांधा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो केशादिवासन का जो कार्यक्रम होता है पहले दिन, मुंडन संस्कार से पहले जो चूड़ाकर्म संस्कार है उससे पहले, तो कुछ इस प्रकार से ये चुटियाएँ बांधी जाती हैं। तो रात्रि के समय जो केशादिवासन था उसका कार्यक्रम चला, और अभी भाई सुबह सुबह हम जब उठे तो यहाँ ये हल्की फुल्की बर्फ़ लसियाल गांव में गिरी हुई थी। असल में रात को मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, और यहाँ लसियाल गांव में हमारे गांव के मुताबिक भाई काफ़ी ज़बरदस्त ठंड होती है। कल रात को ठंड में हमारी हालत ख़राब हो ही गई थी, और अगर ये बर्फ़ जो है ना, क्या हुआ कि हल्की फुल्की बहुत कम बारिश हुई थी उसकी वजह से ये बर्फ़ यहाँ पे अभी पड़ी है थोड़ी बहुत। अगर बहुत तेज़ बारिश होती तो भाई पूरा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता, और यहाँ पूरा लसियाल गांव आज बर्फ़ से ढका हुआ रहता। आज मुंडन संस्कार होना है और आखिरकार धूप भी आई गई है। फिलहाल हमारी जो तैयारी है अभी यहाँ पे वो दिन के खाने की तैयारी चल रही है। सब्जी वगैरह हमने काट के रख दी है, और काफ़ी चीज़ें हैं वैसे दिन के खाने में। तो आज खाने के बारे में इतना ज़्यादा मतलब मैं आज बताऊंगा नहीं आपको। मुख्य हमारा जो रहेगा वो मुंडन संस्कार का कार्यक्रम रहेगा। तो अभी शिवांश के जो बाल हैं वो सुरेश भाई ने काट दिए हैं, और जो चुटिया रखी हुई है वो देखिए कुछ इस प्रकार से, ये चुटिया पूरी अभी है बीच वाली, बाकी जो पांच चुटिया बनाई थी कल उन सबको काट दिया है। और अभी यार बच्चे यार काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनके बाल ना ऐसे काटते हैं, तो अभी यहाँ पे ये शिवांश भी काफ़ी रो रहा है। बाकी अभी ये जो बूढ़ा जी हैं, बूढ़ा जी अभी देखिए ये कुछ इस प्रकार से जो बांध दिया जाता है ना उसका सारा सामान अभी बाहर लाएंगे। तो बाहर पे अभी जो कार्यक्रम होगा वो अब बाहर होगा, इसके बाद जो मुंडन होने के बाद कार्यक्रम होता है, और वो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होता है कि जो ये बच्चा है उस पे अभी हल्दी वगैरह लगाई जाएगी, जैसे कि शादी में जो हल्दी होती है ना कुछ उसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी होता है। और बाहर सभी लोग इस पे हल्दी लगाएंगे, उसके बांध दिए जाते हैं हल्दी के जो उसके बांध दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बाद इसको स्नान कराया जाएगा और नए कपड़े पहनाए जाएंगे। उसके बाद जो भी लोगों ने गिफ्ट वगैरह ला रखे होंगे वो भेंट स्वरूप इस बच्चे को देंगे, और बस इतना ही होता है ये चूड़ाकर्म संस्कार का कार्यक्रम। बाकी आप देखिए पूरी वीडियो आगे किस प्रकार से लोग बांध देते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे ये कार्यक्रम आगे चलता है। मंगलम भगवान मंगलम कुंडलिका मंगलम।
गाँव में अभी दिन का टाइम हो रहा है और दिन के टाइम पे भाई यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है हल्की फुल्की। और मैं दिखाता हूँ आपको, अभी गिरी थी बर्फ कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये मेरा जैकेट है, इस पर बर्फ गिर रही है भाई ऊपर से हल्की हल्की। अभी बारिश तेज होगी तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी, यहाँ शुरू हो चुकी है। अभी हल्की फुल्की बर्फ गिर रही है,